मैंने ये बात करनी है, अभी साहब दोबारा आए थे, इन्होंने दोबारा आपको कॉल करके बोला जी। इस देखो ये बंद, ये कहते हैं कि बड़ा एक आईनी प्रोसीजर है, वो आए वहां पे वाकर वो अपना वोट का जो भी सिलसिला है वो देखें जी। बात यह है कि इनको इतनी शर्म हया नहीं है कि क्या आईन में ये लिखा है कि लोगों को करोड़ों रुपया देकर उनसे वोट खरीदे जाए, लोगों को बोली लगा के उनके लोग खरीद के अपनी तरफ लेकर आए। ये लोग बेशर्म है, ये कहते गाली, ये गाली नहीं है, बेशर्म किसको बोला जाता है या बेहजार किसको बोला जाता है या दलाल किसको बोला जाता है? पंजाबी में जो ब्रोकरी करता है ना, जो जहां पे भी ब्रोकर कहते हैं उसको, ब्रोकर को दलाल, दलाली कहते हैं, दलाल कहते हैं। तो ये लोग जो ना पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग, ये सब दलाल लोग हैं, ये उनका साथ देने वाले हैं। अभी साहब को पूछो, ये कैनेडा में रहता है, मुझे ये बताए इसने कितने पैसे पाकिस्तान के लिए भेजे, समझा? इसने जब भी पैसे भेजे होंगे हुंडी के थ्रू भेजे होंगे। ये लोग अपने बच्चों को भी यही सबक देकर जाएंगे। मुझे ये बताए, 3.5 साल में तो आप एक घर घर को बनाए ना पाकिस्तान, तो 3.5 साल में ये 72 साल का जो गंध है उसको वो कैसे पूरा करे? इनकी सोच कहाँ से चली गई है? ये उतना ही सोचते हैं क्योंकि इनके 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 जिस्म के अंदर जो खून है ना वो रिश्वत के पैसों का है, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। वो ये मैं सही कहता हूँ, हराम के पैसों से पलने वाले हराम के बच्चे ही होते हैं। नहीं देखें, आप लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें। आप ये कह सकते हैं कि भाई आप देखें एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, आप बताएं पाकिस्तान में बस ज्यादा मेरा सवाल है कि क्या तुर्प का कार्ड खेलेंगे जो पूरी आवाम को ललकारा है? अदम एतमाद की तहरीक अगर उनकी जमा हो चुकी, पेपर जमा हो चुके, अब वज़ीर आज़म इमरान खान आखिरी क्या स्टेप लेंगे, क्या कदम उठाएंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या लेकर आएंगे, सोच लेकर आएंगे? अब तो है ना कहते ना एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल ही, आपने देखा है, और पहले तो सब नारा लगाते थे कि भाई एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई इनको और उसका हाथ है, तो वो हाथ जो है ना अपोजिशन के ऊपर रख दिया जाएगा तो यकीनन की हुकूमत चल जाएगी। अब तो सारी कहानी पाकिस्तान की जो सियासत में गहमा गहमी चल रही है और सियासत जो इस वक्त हो रही है पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा कि ये सियासत जो अपोजिशन भी कह रही थी कि महंगाई को कम किया जाएगा, आवाम की महंगाई जो महंगाई का बहुत ज्यादा समझ लें, अभी तो पूरी दुनिया में महंगाई है, इंटरनेशनल महंगाई है, मगर पाकिस्तान की महंगाई को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता था। अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं कि कौन वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क का, आप सोचेंगे जब रमजान मुबारक का महीना आता है जो बहुत जल्दी आने वाला है हमारे दरमियान, तो आप देखेंगे हमारे अपने मुल्क में कितनी चीजें हाई प्राइस पर जाती है हर एक की हुकूमत के दौरान, इस हुकूमत में नहीं हर हुकूमत के दौरान प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हर चीज के प्राइस ज्यादा बढ़ा देते हैं, जबकि यहाँ पे हम रहते हैं ओवरसीज के अंदर, यहाँ पे देखिए प्राइस कम कर दिए जाते हैं। इन दिनों के अंदर कितना डिस्काउंट दिया जाता है कि हर रोजेदार जो है आराम से चीजें ले सकता है, खरीद सकता है। बड़ी बड़ी मार्केटों में, सुपर मार्केटों में देखें प्राइस कितने कम होते हैं, रूह अफजा की बोतल ले लें, ग्रोसरी स्टोरों पर देख लें जो रोजमर्रा की चीजें यूज करने वाली है वो कम प्राइस में जाती है। अभी आप देखें कि ये लोग जो सियासत में चल रहा है, आप देखें किसी ने भी, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, किसी ने भी महंगाई के लिए कुछ कार्ड खेला? अभी तो ये लोग अपनी ही सियासत में जो ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आवाम के लिए कौन सोच रहा है? मुझे ये जरा सवाल का जवाब दे दें आप लोग। अभी तो मैं तो चले बहस कर ही रही हूँ कि अभी बात तकरार इसी पे चल रही है कि भाई हुकूमत इनकी रहेगी नहीं रहेगी, अपोजिशन आएगी नहीं आएगी, तो मगर आपने देखा कि आवाम के लिए कौन बात कर रहा है इस वक्त? कोई भी नहीं कर रहा। जलसा करने के लिए तो इजाजत मुस्लिम नून लीग को भी दे दी गई है, वो भी अपना जलसा वहां पे करेंगे, पीटीआई वाले भी करेंगे जलसा करेंगे चले, मगर वो जो आवाम के लिए जो इतनी महंगाई मुल्क के अंदर हो रही है इस पे तो कोई भी बात नहीं कर रहा। मुल्क के मसाइल के, आवाम के मसाइल के लिए तो कोई भी बात नहीं कर रहा इस वक्त। तो आप लोग भी आकर, हम लोग भी इसी पे तकरार कर रहे होते, हम भी आवाम के मसाइल पे तो कोई डिस्कशन नहीं करते, कोई बात नहीं करते, कोई कॉलर नहीं बात करता आके, सिर्फ इसी पे बात हो रही होती है कि उसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, वो लैंग्वेज अपनी यूज करता है। कभी आप ऐसे मसाइल अपने मैसेज दें, ऐसे मैसेज दें जो वहां की हुकूमत के पास जाए, ताकि कहें कि ओवरसीज में बैठ के चलो अपनी पार्टियों को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हमारा हमारी आवाम के लिए सोच रहे हैं, आवाम की आवाज बनाए ये चैनल, तो आप लोग तो कोई बात ही नहीं करता। नहीं देखिए, बात यह है कि सबसे पहले आपने जो सवाल किया ये जी ट्रंप का पत्ता खेलने वाले हैं। हाँ, मैंने सवाल किया मगर किसी ने जवाब नहीं दिया, सबने डिफरेंट बात कर रहे हैं सब लोग। जी देखिए, मेरे जो लीडर होता, जी जो लीडर होता है ना, वो एंड तक जो अपनी पीछे आर्मी होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए वो हर चीज बोलता है। अब आप यूक्रेन को देख लें, रशिया कितनी बड़ी पावर है जी, लेकिन यूक्रेन डट के खड़ा ना उसके सामने,
तो ये चीजें होती है। अब ट्रंप का पता है तो अल्लाह जानता है, जो इमरान खान के पास है वो तो मैं नहीं जानता ना आप जानते हैं, हम तो कैसराइज कर सकते हैं। अभी तो सरप्राइज है ना, हो सकता है अपोजिशन के पास उससे ज्यादा ताकतवर पत्ता हो, जो अपोजिशन इतनी स्ट्रांग आगे खड़ी हुई है। जी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जो हमारे इत्तेहादी है ना वो अभी तक क्वाइट बैठे हैं। वो पर आप ये देखिए, जो इत्यादि हैं वो मुलाकातें अपोजिशन से भी कर रहे हैं, आपको पता ही होगा, ये आप भी देख रहे हैं। एमकेएम ने हाँ अभी तक इस्तीफे नहीं दिए, वुजरात से अपनी वुजरातें नहीं छोड़ी हैं एमकेएम ने भी। मैं वही तो आपको कहने लगा, देखिए बात ये है, मिलना तो किसी से गुनाह नहीं है ना, राइट, वो तो दूसरे से मिलते हैं। जी जैसे एक वीक पहले आप डेढ़ वीक पहले देख ले, वहाँ तो मजमा मंडी लगी हुई थी, आज भी आ रहा कल भी आ रहा, अब वो चीज नहीं रही। जी अब ये जो लोग है, ये लोग अब खुद जा रहे हैं ताकि एक अगर हमारे जो हमने मेंबर अपने सिंध उसमें रखे हैं, अगर कल को फैसला आ जाता है कि आप इनको ताह या जो है ना ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो फिर तो 100% वो इमरान खान के हाथ में ये फैसला है, वो वापस आएंगे, तो फिर उसके बाद ये इत्तेहादी रह जाते हैं ना। तो इसलिए ये इत्तेहादियों को, अब मैं क्या लफ्ज बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता, इत्तेहादियों को ये सब कुछ देंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो जी तो हमारा और आपका पैसा है अपनी जेब, मगर आप ये देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसा है। देखिए सियासत में हमेशा चलता है, पैसा तो चलाते ही है। अब आप ये कहें कि अगर ये इत्यादियों को सब कुछ देंगे, अगर आप पहले की जो हुकूमतें गई हैं उसमें भी आपने नहीं देखा कि पैसा ही चलाता, पैसों से ही खरीदा जाता है, तो इमरान खान क्यों नहीं खर्च कर रहे पैसा? खर्च करें इमरान खान भी, वजी अजम इमरान खान के पास पैसों की क्या कमी है, आप बताएं जी। इसको किसी ने चेंज तो करना ना, जब कमीनी आया था ईरान में जी, तो बात यह है कि उसने भी तो चेंज किया था ना, किसी ने अगर चेंज करना है, लेकिन कोई आदमी ये उम्मीदें लगा दे कि हम इसको एक रात में चेंज कर देंगे या इसको 10 दिन में, नहीं, टाइम लगेगा। वो हमारा 23 या 24 करोड़ का हमारा मुल्क है, वहां पे निजाम ये है। मैं आपको ये कहता हूँ, हमारी फैमिली सारी बिजनेस करती है वहां पे, अगर आप मंडी में जाते हैं ना, तो मंडी में आपको आलू 10 रुपए किलो मिलते हैं, अगर बाजार में अगर वो 50 रुपए किलो मिलते हैं, तो उसका मकसद ये है कि लोग वहां पे अपनी प्रॉफिट रेशियो बहुत ज्यादा रखते हैं, तो वहां पे चेक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन देखे नवाज शरीफ या जरदारी जी, इन्होंने कितनी देर हुकूमत की है, इन्होंने जो एक सिपाही भर्ती किया था ना, अब वो भी डीएसपी एसपी बन गया है। तो ये मैं एक बार बोलूं, इमरान खान के साथ वो ही खड़ा होगा जो पाकिस्तान के लिए सोचेगा। अब इमरान खान ने एक कल्चर तो वहां बना दिया, मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर पाकिस्तान बहुत जाता हूँ, वहां पे बिजनेस है। बात ये है कि आप थाने में अगर कोई एमएनए जाए ना, तो थानेदार उठ के उसको सलूट नहीं मारता। ये अब एमएनए की ये हाल है कि वो गली में भी जाए ना, तो वो लोग कहते हैं उठ के जाता तो जाते, पहले ऐसा हाल नहीं था। पहले तो आप तस्वीर एमएनए के साथ जो ना तस्वीर खिंचवाना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था। ये उसने कल्चर पैदा किया जो यहाँ कैनेडा में है, आपके स्टोर पे यहाँ का मिनिस्टर आके भी वो लाइन में लग के आपसे ग्रोसरी लेता है या सिगरेट लेता है या कुछ भी लेता है। तो ये इसको टाइम लगेगा। ये जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं ना, खुदा की कसम इनको शर्म आनी चाहिए, कम से कम उसको टाइम तो देना। 3.5 साल में ये कहते उसने क्या किया, उसने बहुत कुछ किया, आप देखो जी उसने क्या किया। आपने कभी देखे जो माइनस है, इन्होंने इन लोगों ने माइनस पॉइंट ही पकड़ने हैं, इन्होंने हाथ की बात तो करनी नहीं है, क्योंकि इनके इनके खून में वो जो रिश्वत, वो जो मतलब अब फिर वो कहूंगा हराम का पैसा ना, वो अंदर फ्राइड कर चुका है। ये आपको सच की बात, अब वहां का मीडिया कितना झूठ बोलता है, ये कितना झूठ बोलता है, इमरान खान के लगे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है इमरान खान के, वो तो पैसे ही नहीं देता। पहले नवाज शरीफ हज करने जाता था, पूरे पूरे जितने भी वहां के जो जितने भी एंकर थे, पूरा जहाज भरा होता था और लेकर जा रहा है, और कहां कौन पैसे कहां से, हमारे आपके जो टैक्स के पैसे हैं, जो पाकिस्तान के पैसे हैं, वो खर्च रहा है, इसको पता नहीं है कि हज 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 करने का मकसद क्या है। राइट, चले एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले जरा प्लीज, मेरे साथ बहुत सारे कॉलर की लाइन लगी, मेरे साथ ही रहे, मैं सुने प्रोग्राम और सबके मैसेज लेके एयर करती हूँ। जी हाँ जी जी, बात यह है, आपने कहा कि वाम के मसाइल की कोई बात नहीं करता, राइट, वाम के मसाइल जुड़े हुए होते हैं गुड गवर्नेंस से। जब आप गुड गवर्नेंस के ऊपर उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं, तो वो वाम के मसाइल की बात होती है। जी, जब मुल्क में अपना जो है बदइंतजामी हो रही है, उसके ऊपर बात हो रही हो, तो वो अवाम के मसाइल की बात हो रही होती है। जब ये अपना गुड गवर्नेंस हो, तो फिर महंगाई भी नहीं होती और बाकी प्रॉब्लम भी नहीं होते। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो गेम है वो ब्लेम गेम की नहीं है, इस वक्त मौका अदम एतमाद का है। आप चाहे 1 लाख बंदा ले आए, 10 लाख ले आए या 1 करोड़ ले आए, उसे कुछ नहीं होने वाला। इस वक्त आपको कौमी असम्बली में आइन के मुताबिक 172 वोट जो है वो आप जमा करने हैं। जी अगर तो क्या आपको लगता है गवर्नमेंट के पास नहीं है 172 वोट?
अगर होते हैं तो ये अपना हीले बहाने ना करते हैं। अच्छा, इसलिए अगर अगर आपको लगता है कि अपोजिशन के पास हैं पूरे 172 वोट, जो कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं तो उसका नजर आता है कि उनके पास है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, लेकिन अपेरेंटली जो नजर आता है जैसे हुकूमत बुखलाई हुई है, हुकूमत के पास नहीं है। अच्छा, उसके बाद बात की गई अपना पंजाबी की, अपना तर्जमे की, ये आप अगर कोई वहां पे पंजाब में जो बिजनेस करते हैं, जो बीच में कमीशन एजेंट होते हैं या वो ब्रोकरेज होती है, उसको आड़ती कहते हैं। अगर ये दलाल या दल्ले के लफ्ज को पसंद करते हैं, ये खुद भी बिजनेस करते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। अब शहबाज गिल ने और भी बहुत से तर्जमे किए हैं पंजाबी के। जी 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 जी, एक मिनट के लिए होल्ड पे रहे, लोग इनका मैसेज ले लूं आपसे, लेती हूं। जी जी, अगर वो तर्जमे आपको पसंद है तो वो अपनी फैमिली के ऊपर भी उसको लागू कर लें। दूसरी बात यह है कि ये जब अदम-ए-एतमाद की तहरीक होती है तो जो बाइज्जत पॉलिटिशियन होते हैं वो रिजाइन कर जाते हैं। पाकिस्तान में 3 दफा जो है वो टोटल जो है वो अदम-ए-एतमाद की तहरीक पेश हुई, जब सबसे पहले पेश हुई आई चुनरीगर के खिलाफ, तो उसको लगा कि मैं नहीं जी सकूंगा, तो उसने रिजाइन कर दिया था, क्योंकि अदम-ए-एतमाद की तहरीक अपना पास हो जाए तो उस लीडर जो है उसके ऊपर सारी उम्र दाग लग जाता है रिजेक्टेड का। लेकिन ये क्योंकि ये बदजुबान अपना लीडर जो है, बददिमाग लीडर जो है, इसको ना अपनी इज्जत का पास है ना मुल्क की इज्जत का पास है, इसलिए इसको ये कोई अपना वो नहीं लगता। दूसरी बात की जाती है कि ये जो इमरान खान के साथ है आ जाए तो वो जमीर फरोश नहीं है, बाकी जमीर फरोश है। पंजाब में से टोटल PTI के जो MNA जीते थे वो 65 थे, उन 65 में से 46 MNA वो थे जिनको मुस्लिम लीग के इक्तदार के खत्म होने के बाद जो है मुस्लिम लीग से तोड़ के PTI में शामिल किया गया था, तो उस वक्त वो गंदे लोग थे तो PTI में आके वो बाजमीर हो गए, और 46 के अलावा 11 बंदे जो थे वो PP से तोड़ के लाए थे, PTI के अपने टोटल 8 बंदे थे। तो जब आपके पास जी तो उतर हो जाते, जब आपके पास आए जाए तो हाजी हो जाते हैं, जब वो अपने जमीर के ऊपर फैसला करें या आपसे दूसरी तरफ जाए तो वो जो है वो जमीर फरोश हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हराम राम के फतवे तो बहुत देते हैं, बात यह है कि माँ के नाम के ऊपर जो चंदा खा जाए वो उसको वो अपना क्या कहेंगे, उस वो जो है माल हराम का ही होगा, और जो माल हराम माल का खाने वाला होगा उसके बारे में आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या है। फॉरन फंडिंग केस में आपके ऊपर स्टेट बैंक और SCCP ने साबित कर दिया हुआ है कि ये फॉरन फंडिंग में माल खाया गया, ये अस्पताल अपना हॉस्पिटल के नाम के ऊपर पैसा लेके उसको पॉलिटिक्स में लगाया गया, ये हराम नहीं है तो और क्या है। उसके बाद अभी जो ताजा पेपर आए हैं फिरोज वाला पेपर, उसमें ताजा ताजा अपना सबूत आए हैं कि ये इन्होंने हराम खाया है। तो बात यह है कि जो हराम खुद खा रहे हैं वो दूसरों के ऊपर फतवे लगाएंगे हराम का, तो उसका असर होने वाला नहीं है। पहले अगर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं तो पहले अपना किरदार साबित करें। एक बद किरदार शख्स, एक बदजबान शख्स, एक बदतहजीब शख्स, एक बदनसा शख्स जो है दूसरों के ऊपर इल्जाम हराम का नहीं लगा सकता। थैंक यू। जी हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? सबसे पहले तो बात वो जो पंजाबी भाई बात कर रहे थे, ये जो कमीशन लेते हैं वो दलाल ही होते हैं, पंजाबी में दलाल ही कहते हैं। ये भट्ट साहब पता नहीं कहाँ की पटवारी बोल रहे हैं, पटवारी बोलने वाला पंजाबी बना हुआ है, इसको क्या जी जी क्या रहने वाला है। बाकी रही उसको, ये फौरन उसकी फैमिली पे आए हैं कि वो अपनी फैमिली को ऐसे कहे, उन्होंने गाली दी है, फिर आ जाके मैं इनको बार बार समझाता हूँ कि गाली नहीं दिया करो किसी को, लेकिन इसकी जबान इतनी लंबी होती जा रही है हर आप। वो नए कलर है जिनको गाली दी आज इन्होंने, तो बाकी जो हराम हलाल है वो जाके मरियम से पूछना, मरियम की बड़ी बेटी मरियम की शादी होने से पहले पैदा हो गई थी, वो हरामी है, और इसके जो हमजा की बेटी है वो हरामी है, ये हरामी होती है। वो दलाल हो, कमीशन लेने वाले भी मुर्दा खाते हैं सारे के सारे, दलाल होते हैं वो। चल जी, हेलो जी 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 जी, हेलो हेलो जी। कोई दलील नहीं है, सिर्फ ईमान और बेईमानी का मसला बन गया है यहाँ पे। चले मैं मान लेता हूँ कि सब बेईमान है, किसी अदालत में तो प्रूफ करना होगा ना, मतलब कैसे आपकी जुबान पे तो हम बेईमान नहीं मान सकते उनको, उसको तो प्रूफ करना है जी। आप कहते हैं ये प्रूफ भी नहीं हो सकता और बेईमान भी है। एक सेकंड के लिए होल्ड कर देते, एक सेकंड के लिए आपसे बात करूंगी, एक मिनट इनका मैसेज ले लूं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप कैनेडा में, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो अस्सलाम नहीं।
मुझे दुख इस बात का होता है कि कनाडा में बैठ के प्रोग्राम कर रही हैं आप जी, इतने अच्छे लोग घर में बैठ के प्रोग्राम देखते हैं आपका, सुनते हैं लोग, अजीब आके गालम गलोच, ये क्या लैंग्वेज यूज करते हैं यार। अगर किसी ने कर दी तो आपको आगे जरूरी है उस पे आगे रोजाना तबसरा करना। उन्होंने क्या, पहली बात तो ये सुनते ही नहीं है शायद। उन्होंने कहा कि इस तरह की लैंग्वेज जो शहबाज गिल ने यूज करी है ये कोई बेहतर लैंग्वेज नहीं है जी। अगर उनको बेहतर लगती जी 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 तो घर वालों पे अप्लाई करें। अब आके उस पे इसके वो है तो हमला की बेटी यूं है तो मरिए। अरे यार अल्लाह को मानो यार, क्या है लेकिन मैं तो किसी की भाई, एक सीधी सीधी बात ये है, तहरीक आदम एतमाद जी, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, दुनिया में जहाँ भी जमहूरियत होती है वहाँ पे इस तरह की एक्सरसाइज होती है जी। इस तरह की एक्सरसाइज होती है कि जब लोगों को लगता है, मेंबर्स को लगता है कि वजीर आजम की कारकर्दगी नहीं है या वो किसी भी वजह से उनकी पालियों से इंसाफ करते हैं तो उन पर अदम एतमाद करते हैं जी। ये कोई ऐसा अनहोनी वाकया तो नहीं हो गया ना, पूरी दुनिया में नहीं होता, पाकिस्तान में हो गया जनाब। अब एक तहरीक आदम एतमाद पेश हो गई जी, तहरीक आदम एतमाद पेश हो गई है, अब उसके बारे में थोड़ा तफसीला करें, तजिया करें, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, दो चार घंटे हैं जो आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा या जी। हाँ, तो अब उसका एक इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, एक उससे लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उसमें तहरीक आदम एतमाद आ गई, भाई गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो नाकाम हो जाए, अपोजिशन कोशिश करती है वो कामयाब हो जाए, उसका एक प्रोसीजर है, आईनी तरीका है, वोट डालने का, कि यार उसको फॉलो करो सीधा सीधा, उसको फॉलो करो, आपको लगता है कि आप नहीं जीत पाओगे इस्तीफा दे दो, आप अवाम में चले जाओ दोबारा इलेक्शन, तो वहाँ दोबारा ये कर सकते हैं, इलेक्शन में जा सकते हैं दोबारा से अवाम से इलेक्शन जी। उसको लोग आके कहते हैं कि जो इमरान के साथ है वो जो है वो वफादार है, बाकी जो नहीं है तो वो पाकिस्तान का गद्दार है। यार मतलब कोई लॉजिक समझ में नहीं आती कि अगर आप जो है जनाब लिबरल में है तो आप वफादार है कनाडा के। अच्छा तो ये, अच्छा ये बताएं कि अगर पाकिस्तान से इमरान खान को जो निकाला जा रहा है अभी अभी, अच्छा आप मुझे बताएं, आपसे सवाल है, आप थोड़े ठंडे दिमाग के हैं और सुन भी लेते हैं सही से, तो बताएं वजीर आजम इमरान खान को जो निकाला जा रहा है, तो ये जो अपोजिशन ने बिल्कुल अदम एतमाद जमा किया, तीनों लोग एक साथ मिल गए पार्टियों में, मौलाना फजलुर रहमान या कहते हैं ना मुस्लिम नून लीग और है ना पीपल्स पार्टी, तीन पार्टियों ने मिलके जो है ना ये अदम एतमाद की तहरीक तैयार की और उनके लिए जमा करा दी, जमा हो गई है। तो आप बताएं कि सिर्फ इसलिए निकाला जा रहा है कि ये वजी अजम इमरान खान को पसंद नहीं करते थे और वजी अजम इमरान खान को नहीं पसंद करते उसकी नापसंदगी की से निकाल रहे हैं या इनकी कारकर्दगी पे निकाल रहे हैं, किस चीज पे लेकर आ रहे हैं और किस चीज पे निकाल रहे हैं, जरा मुझे बताएं। हाँ, बात ये है कि पसंद नापसंद अपनी जगह, हाँ आप मुझे ना भी पसंद करें जी, लेकिन अगर मेरी तो मगर अभी नारा जो लगाया हुआ है इन लोगों ने, देखे नारा जो लगाया हुआ है अभी जो आते हैं मीडिया पे जो नारा लगाते हैं तीनों मिलकर साथ ही, देखे पहले भी ये सियासत में तीनों एक साथ नहीं थे, आपको भी पता है पीपल्स पार्टी और नून लीग के क्या इख्तलाफात थे, मगर आप ये तो होता है सियासत के अंदर, चाहे कितने भी आपस में इख्तलाफात हों और उसके बाद ये सब एक जमातें एक साथ हो जाती हैं, आज एक साथ खड़े हैं ये लोग। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि ये जो निकाला जा रहा है तो सिर्फ इस वजह से इमरान खान को पूरा टाइम पीरियड नहीं करने दिया जा रहा कि उनकी कारकर्दगी से इनको एतराज है या इनको ये पसंद नहीं है वजीर आजम इमरान खान जिसकी वजह से निकाला जा रहा है, जबकि अब सारे मीडिया पे ये कहा जाता है कि हाँ करप्शन नहीं की इनके ऊपर, किसी करप्शन का इल्जाम नहीं है इनके ऊपर, नहीं ये तो आप बता दें करप्शन का इल्जाम मुझे बता दें, इनके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, मैं आप ही से पूछूंगी, आप बहुत ठंडे दिमाग के, आप मुझे जरूर जवाब देंगे, एक सेकंड के लिए प्लीज सब लोग होल्ड पे रहे, मैं इनसे सवाल जवाब ले लूं उसके बाद आपकी तरफ आती हूं। जी जी एक सेकंड मैं इनसे ले रही हूं जवाब।